बोल क्यों बार बार अपने आप को नंबर वन कहता है, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जितने पैसे और जितनी इन्वेस्टमेंट बोल ने पाकिस्तान में किए वो अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले कोई मीडिया हाउस, अगर आप तो नहीं जाते नहीं जाते मीडिया हाउसेज में, मैं तो शायद नहीं गुजर गई हमारी, तो जो फैसिलिटी पहले से इन्होंने पेश की, और फिर ना सिर्फ फैसिलिटीज उसके साथ जो स्ट्रक्चर है हेल्थ केयर के हवाले से, हर वो फैसिलिटी जो जर्नलिस्ट्स को, मीडिया आर्टिस्ट को, मीडिया पर्सन को चाहिए थी वो यहाँ मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्टेबिलिटी है उनके करियर में। हमारा मोटो है कि सफाई निस्र ईमान है, बेताशा सफाई का ख्याल रखा जाता है इस पूरे फैसिलिटी में। सपोर्ट स्टाफ, ये वो लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, जो हमारे सारे वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल के लिए है, इंजीनियर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनमें से दो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, कैसर डेनियल साहब और वसीम मसीह साहब। आप यहाँ काफी कितने अरसे से हैं? सर तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। 4 साल हो गए। एक्चुअली सर मैंने बेशुमार कंपनीज में काम किया हुआ है, सो जब मैं यहाँ आया तो सर ऐसी फैसिलिटीज मैंने कहीं नहीं देखी सर। सो यहाँ का जो एक ख्याल जो रखना है ना जो स्पोर्ट्स स्टाफ का, ये अमेजिंग है सर, इट्स फैंटेस्टिक सर। यहाँ पे जैसे मेडिकल सर मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली, मेरी बीवी बच्चों और मेरे यहाँ तक के मेरे वालिदैन के लिए भी मेडिकल की फैसिलिटीज ये है। और एक और बात ऐड करना चाहूंगा सर, मैंने बेशुमार कंपनीज में काम किया है, यहाँ पे जो सैलून की जो फैसिलिटीज है वो मैंने कहीं नहीं देखी, इट्स अमेजिंग सर। कब कितने अरसे से आप यहाँ? सर मैं यहाँ पे 3 साल से काम कर रहा हूँ। जहाँ भी पाकिस्तान की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है तो मुझे इस तरह की फैसिलिटीज या लाइफस्टाइल नहीं मिला जो मुझे यहाँ दिया जा रहा है। तो मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ, मुझे हर एक फैसिलिटीज जो है वो बर वक्त मिलती है।